हेलो एवरीवन, दिस इज हर्षा। वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो हिंदी। सो हाय गाइस, आज की वीडियो वेरी वेरी स्पेशल वीडियो। सो इस वीडियो में हम मेरा प्रीवियस वीडियो में बहुत सारा न्यू यूजर्स का कमेंट्स आ रहा है कि सेफ मून टोकन के बारे में एक्सप्लेन कीजिए, सेफ मार्स टोकन के बारे में एक्सप्लेन किए। सो इस टाइप का सेफ टोकन के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारा कमेंट्स आए। सो इस वीडियो में हम सेफ मून का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। उसके साथ साथ मैंने सेफ मून को इंस्पायर करके, सेफ मून को देख के इंस्पायर होकर मेरा ओन टोकन एक मिंट किया, उसका नाम है डोज मून। एंड जो मार्केट में जो अवेलेबल है वो मेरा टोकन नहीं है। सो वीडियो एंड तक देखना, सो कोई भी डिसीजन मत लेना अभी। सो वीडियो जरूर एंड तक देखना विदाउट स्किपिंग। देन इस पर्टिकुलर डोज मून टोकन मैंने जो क्रिएट किया उसमें ऑलमोस्ट 10,900 वैलेट होल्डर्स अवेलेबल है आज के हिसाब से। सो ये मैंने कैसे किया वो सारे डिटेल्स इस वीडियो में रहेगा। सो सेफ मून के बारे में भी हम इसमें कंप्लीट रिव्यू करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना एंड कमेंट सेक्शन में आपका ओपिनियन फीडबैक मेंशन करना। सो लेट्स बिगिन द वीडियो गाइस। सो गाइस, फर्स्ट थिंग सेफ मून के बारे में डिस्कस करते हैं। सो सेफ मून का प्रोजेक्ट क्या है, उसका टोकन का यूटिलिटी क्या है, वो सब बाद में डिस्कस करते हैं, बस इसका स्टैटिस्टिक्स देखते फर्स्ट। सो इसका टोटल टोकन होल्डर जो है 1.7 मिलियन टोकन होल्डर्स है गाइस। सो व्हिच इज इम्पॉसिबल। सो मतलब सबसे जितने भी टोकन अभी मार्केट में अवेलेबल है उससे बहुत ही ज़्यादा है इस पर्टिकुलर टोकन। एंड ये अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है, सो 2 मंथ्स हुआ है शायद इस पर्टिकुलर टोकन रिलीज होके, बट उतने में 1.7 मिलियन यूजर्स है। ये बहुत ही ह्यूज नंबर है। एंड अगर हम इसको कंपेयर किया तो, सो कंपेयर किया तो मतलब हम इसको बाइनेंस स्मार्ट चेन में टोकन होल्डर्स के हिसाब से कंपेयर किया तो यही द नंबर वन टोकन है जिसके पास बहुत ज़्यादा यूजर्स अवेलेबल है। एंड हम बाइनेंस का BUSD टोकन देखा था सेकेंड प्लेस में विथ ओनली 380,000 टोकन्स होल्डर। सो वेरी वेरी लेस। सो मतलब किसी के पास ये बाकी टोकन्स तो नहीं है, बट सेफ मून का टोकन तो सबके पास है। बट हाउ इज इट पॉसिबल। सो उसको इथेरियम चेन में भी कन्वर्ट करेंगे। इथेरियम चेन में आप देख सकते हैं चेन लिंक जो है इसका वैलेट होल्डर जो है वो 522,000 वैलेट होल्डर्स है। एंड ये बहुत ही कम है कंपेयर टू सेफ मून। देन बैट का भी 413 वैलेट होल्डर्स अवेलेबल है, 413,000 वैलेट होल्डर्स, ये भी बहुत ही कम है विथ कंपेयर टू सेफ मून। बट इस पर्टिकुलर नंबर जो इधर दिख रहा है ये जेन्यून है कि नहीं? सो ये डेफिनेटली जेन्यून नंबर है। सो बाइनेंस स्मार्ट चेन में स्कैन में चेक कर सकते हैं आप, टोटल होल्डर देख सकते हैं 1.74 मिलियन टोकन होल्डर्स। बट हाउ इज इट पॉसिबल। सो आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा ये सिंपल इस पर्टिकुलर कैसे पॉसिबल है, मैंने कैसे 10,000 वैलेट होल्डर्स को जनरेट किया माई न्यू कॉइन में। सो वो भी आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में दिख जाएगा। सो फर्स्ट थिंग जो है सिंपल कंक्लूजन ये है कि इस पर्टिकुलर सेफ मून, सेफ मार्स, सेफ जुपिटर, सेफ सैटर्न, प्लूटॉन, सो ये सब जो है ये सब स्कैम कॉइन्स एंड चीट कॉइन्स है गाइस। सो इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का एडवाइस नहीं करूंगा मैं, वो क्यों आपको बता दूंगा। सो इस पर्टिकुलर टोकन में इतना वैलेट होल्डर कैसे जनरेट हो आपको लाइव एग्जाम्पल विथ अ डेमो दिखा दूंगा। सो फर्स्ट थिंग जो है आपको मेरा डोज मून टोकन मैंने कैसे क्रिएट किया वो आपको एक्सप्लेन करूंगा विद अ लाइव डेमो। सो फर्स्ट थिंग जो है आपको CoinTool.app में जाना होगा, आपका वैलेट कनेक्ट करना होगा। इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में आपको मल्टीपल चेन्स में आपका ओन टोकन मिंट कर सकते हैं एंड मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। सो अभी फर्स्ट आपको मेरा डोज मून टोकन को मैंने कैसे मिंट किया वो आपको दिखा दूंगा। सो इसमें BNB सेलेक्ट करना होगा, क्रिएट Web20 टोकन ऑप्शन मिल जाएगा, उसको क्लिक कीजिए। देन इधर आपको फर्स्ट थिंग जो है टोकन का नाम देना होगा। सो अभी सेफ मून, सेफ मार, सेफ जुपिटर सब हो गया। सो अभी मैंने क्या सोचा, मैं उसको डोज मून करके एंटर करेंगे करके डोज मून नाम दिया। उसके बाद टोकन मिंट करने के बाद कॉमेडी ये हुआ कि मैंने ऑलरेडी coingecko.com में जाके सर्च करा तो ऑलरेडी एक टोकन डोज मून के नाम पे अवेलेबल है। सो मतलब इतना सारा स्कैम्स को मार्केट में अवेलेबल है कि हर नाम से मतलब मून ऐड करो, नहीं तो डोज ऐड करो, रॉकेट ऐड करो, कुछ भी ऐड करो, उसका टोकन हमको कॉइन मार्केट कैप में मिल जाएगा और CoinGecko में मिल जाएगा। सो मैंने डोज मून करके एंटर किया, उसका सिंबल जो है DM दिया एंड उसका टोटल सप्लाई जो है मैंने कुछ 10 और 15 जीरोस डाला, मुझे पता नहीं कितना जीरोस है, उतना डाल के मैंने कंफर्म किया एंड क्रिएट टोकन के ऊपर क्लिक करा। सो इधर क्या हो रहा है, मैंने एक डोज मून करके न्यू टोकन मिंट कर रहा विद इनिशियल सप्लाई ऑफ आई थिंक सम 2-10 trillion और बिलियन और वॉट एवर इट इज। सो उसके बाद कंफर्म के ऊपर क्लिक करना, थोड़ा गैस फीस पे करना होगा। मेन नेट में आपको जनरेट करने के लिए अराउंड 0.5 BNB ऐसे गैस फीस पे करना होगा। मैं सारा डेमो जो है टेस्ट नेट में दिखा रहा आपको। सो
वंस ये क्रिएट करने के बाद विद इन फ्यू सेकेंड्स आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड आपका डोज मून टोकन जो है क्रिएट हो जाएगा सक्सेसफुली। सो उसके बाद तुरंत आपका वैलेट में डोज मून टोकन ऐड हो जाएगा एंड इसका आपको टोकन भी आप वैलेट में ऐड कर सकते हैं। वंस ये कन्फर्म करने के बाद आप टोकन एड्रेस कॉपी कीजिए एंड आपका डोज मून टोकन जो है रेडी टू गो। सो मेरे पास ऑलरेडी अभी डोज मून टोकन अवेलेबल है, देख सकते हैं मेरा वैलेट में कितना डीएम डोज मून टोकन्स डीएम टोकन्स पड़ा है। सो ये सारा मेरा टोकन है अभी। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है? सो ये आपको स्टेप्स ये क्यों दिखा रहा है कि सेम स्टेप्स आपको जो भी मार्केट में सेफ मून मार्स जुपिटर ये सारा टोकन भी सिमिलर स्टेप फॉलो करते हैं टू गेन द अट्रैक्शन। सो यूजर्स को स्कैम करने के लिए न्यू मेथड्स लेकर आ रहा है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। सो अभी आपको सेकेंड टास्क जो है, फर्स्ट टास्क जो है मेरा डोज मून टोकन क्रिएशन जो है मैंने सक्सेसफुली क्रिएट किया विद इन फ्यू क्लिक्स, नॉट इवन 2 मिनट्स गाइस। सो 2 मिनट से भी कम टाइम में मैंने मेरा टोकन क्रिएट किया। सो नेक्स्ट टास्क जो है इतना वैलेट होल्डर्स कैसे जनरेट किया मैं, 11,000 वैलेट एड्रेस को कैसे जनरेट किया। सो सिंपल थिंग, वो भी आपको इसी वेबसाइट में आप भी कर सकते हैं सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके विद सम पेशेंस। सो नेक्स्ट स्टेप जो है लेफ्ट साइड में सेम ऐप में आपको एक BSC बैच वैलेट जनरेटर ऑप्शन मिलेगा। इसका मतलब आप इसमें बैच में वैलेट्स क्रिएट कर सकते हैं कितने भी अमाउंट में। सो इसमें आपको जस्ट एग्जांपल दिखा रहा है, 10 वैलेट जनरेट करके क्लिक कीजिए एंड आप देख सकते हैं विद इन सेकेंड्स आपके पास 10 वैलेट एड्रेस, उसका प्राइवेट कीज, मेमोनिक फेजेस रेडी हो गया। एंड आपको इसको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो आप उसको एक्सपोर्ट करके एक्सेल फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, एक्सेल फाइल भी रेडी हो गया। सो अभी मेरे पास 10 BSC वैलेट्स आ गया। सो अभी क्या करना है मुझे, सिंपल स्टेप, इसी प्लेटफॉर्म में मुझे BSC टोकन मल्टी सेंडर ऑप्शन मिल जाएगा। सो इसका मतलब एक ही क्लिक में मैं मल्टीपल वैलेट्स को फंड्स जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। सो इसमें टोकन जो है, टोकन कॉपी कीजिए, इसमें टोकन का एड्रेस में मेरा डीएम टोकन को सेलेक्ट किया। सो अभी मेरा डीएम टोकन को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ टू 10 डिफरेंट वैलेट जो अभी मैंने क्रिएट किया, उसका वैलेट एड्रेस प्राइवेट कीज भी मेरे पास ही अवेलेबल है। सो उसको जस्ट कॉपी कीजिए, जस्ट इधर पेस्ट कीजिए, देन आपको वैलेट कितना अमाउंट भेजना वो भी एंटर करना है। आपको वैलेट को एंटर किया, कितना अमाउंट ऑफ डोज मून टोकन्स आपको सेंड करना वो सेलेक्ट करना है ना। सो उसके लिए आपको इधर एक ऑप्शन मिलेगा, ऑटो ऐड अमाउंट के ऊपर क्लिक कीजिए, 10,150 एंटर कर रहा है डेमो के लिए, कंफर्म कीजिए एंड ईच वैलेट को 150 डोज मून टोकन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। एंड सेम वे में अगर आप एक्सेल को यूज करके अगर आपको 10,000 और 1,000,000 टोकन्स को वैलेट्स को जनरेट करके उसमें रैंडम बिटवीन फंक्शन यूज करके आप 150 नहीं है तो रैंडम अमाउंट भी एंटर कर सकते हैं एंड उस एक्सेल को इधर पेस्ट कीजिए, देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, बस सिंपल। सो अभी देख सकते हैं 10 डिफरेंट वैलेट्स को मैं ट्रांजेक्शन इनिशिएट कर रहा हूँ। समरी देख सकते हैं 150 डीएम टोकन्स, टोटल 10 ट्रांजेक्शन्स, टोटल कॉस्ट जो है मुझे अराउंड 0.15 BNB टोकन्स मुझे गैस में चले जाएगा। सो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए, कंफर्म क्लिक कीजिए एंड आपका ट्रांजेक्शन फर्स्ट थिंग जो है आपका डीएम टोकन्स को स्पेंड अप्रूवल देना होगा इन दिस प्लेटफॉर्म। उसके बाद आपको जस्ट अनदर नेक्स्ट क्लिक करके अनदर गैस फीस पे करना होगा। उसके बाद एंड कंफर्म करने के बाद विद इन फ्यू सेकेंड्स मेरा वैलेट जो है डेबिट हो गया डोज मून टोकन्स इस पर्टिकुलर 10 वैलेट एड्रेस को डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। सो अभी जस्ट पेज को रिफ्रेश करके आपको दिखा दूंगा, विद इन फ्यू सेकेंड्स आप देख सकते हैं मेरा टोकन जो है 10 डिफरेंट वैलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 150 डोज मून टोकन्स ईच। सो अभी आप देख सकते हैं BSE स्कैन में जाके चेक किया तो आपका देख सकते हैं डोज मून टोकन टोटल होल्डर्स अराउंड 11 एड्रेसेस आर होल्डिंग डोज मून टोकन। सो सिमिलर वे में आप 10,000 चाहिए तो 10,000 वैलेट एड्रेस होल्डर्स को जनरेट कर सकते हैं, 1,000,000 जनरेट कर सकते हैं, 10,000,000, 20,000,000 कितना भी जनरेट कर सकते हैं क्योंकि टोकन्स आपके पास है। आपको डेमो के लिए मैंने 10,000 टोकन्स को सिमिलर एक्टिविटी परफॉर्म किया, उसके लिए आपको 50 ट्रांजेक्शन्स करना होगा क्योंकि एक ट्रांजेक्शन में आपको ओनली 200 ट्रांजेक्शन ही इनिशिएट कर सकते हैं। इसलिए मैंने 50 ट्रांजेक्शन किया जस्ट आपको एजुकेट करने के लिए इस टाइप का स्कैम्स कैसे क्रिएट होता है। सो देख सकते हैं 48 मोर टाइम्स हैव टू क्लिक ट्रांजेक्शन अप्रूवल। सो मतलब आपको डेमो दिखाने के लिए ये सब किया गया, बहुत टाइम लगा मुझे। सो बट अराउंड 15-20 मिनट्स पेशेंटली मैं नेक्स्ट क्लिक करने के बाद सक्सेसफुली टोकन डिस्ट्रीब्यूट हो गया एंड अभी मेरा डोज मून का वैलेट होल्डर जो है 10,000 वैलेट होल्डर्स अवेलेबल है। सो देख सकते हैं आप BSE स्कैन में, बट जो भी मैंने दिखाया है सारा टेस्टनेट में दिखाया है, सेम थिंग आप मेननेट में भी कर सकते हैं एंड इस टाइप का सेफ मून सेफ मार्स इस टाइप का टोकन सिमिलर क्लोनिंग एक्टिविटी करके सिमिलर नंबर ऑफ यूजर्स को जनरेट करके एंड उसको ऐसा इंप्रेशन दे रहा है कि इस पर्टिकुलर टोकन जो है बहुत ही ह्यूज है एंड इसका बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ यूजर्स है कंपेयर टू अदर टोकन्स एंड आपको इसमें इन्वेस्ट करना होकर करके बहुत सारा यूजर्स को अट्रैक्ट कर रहा है एंड इनिशियली ये टोकन डेफिनेटली पंप होगा क्योंकि
यूजर्स देख के फोमो होके बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, उसके बाद स्लोली ये लोग उसका टोकन्स डंप करना स्टार्ट करेगा ईच हो वैलेट से, एंड आपका टोकन का प्राइस ऑब्वियसली डिक्रीज होते जाएगा एंड फाइनली विल बी रेक्ट। सो उसको अवॉइड कीजिए, इस टाइप का टोकन में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है, वेरी डेंजरस है। आप जितना भी इन्वेस्ट कर रहे हो सारा चले गए सोच के, तभी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट बिल्कुल नहीं रिकमेंड करूंगा इस पर्टिकुलर टोकन को। सो आपको लाइव डेमो दिखाया गया कैसे इस पर्टिकुलर स्कैम कॉइन्स जो है, सीट कॉइन्स जो है, वो टोकन्स को कैसे जनरेट कर रहा है, उसको वैलेट होल्डर्स को कैसे क्रिएट कर रहा है। एंड अब अभी मुझे सेम थिंग बाइनेंस मेननेट में भी कर सकता हूँ विथ फ्यू बीएनबी, एंड उसके बाद में मैंने पैनकेक स्वैप में एक 30,000 और $50,000 वर्थ ऑफ लिक्विडिटी ऐड करना है बस, एंड उसमें 2-3 डमी ट्रांजेक्शन्स करना है एंड उसका लिक्विडिटी हो जाएगा एंड डेक्स टूल्स में उसका रिकॉर्ड स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको प्रमोट करना है तो बहुत सारा यूट्यूबर जो है पैसे लेके प्रमोट करते हैं, सो मुझे भी बहुत सारा ऑफर्स आते हैं इस टाइप का शीट कॉइन्स का प्रमोट करने के लिए। मैं कभी भी प्रमोट नहीं करता उस टाइप का कॉइन्स को, सो उस टाइप का बहुत सारा चैनल जो है प्रमोट करता है उस टाइप का टोकन्स को, एंड देन उसके बाद टिकटॉक वीडियोस में भी प्रमोट कर सकते हैं या ट्विटर में भी प्रमोट कर सकते हो, सारा पेड प्रमोशन से गए। सो उसमें फॉलो के बहुत सारा मेजर यूजर जो है इस पर्टिकुलर टोकन्स को बाई कर रहा है एंड फाइनली दे विल बी रेक्ट। सो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर टोकन जो है पंप हो रहा है डेफिनेटली, बट एट ए लॉन्ग टर्म और मिड टर्म इस पर्टिकुलर टोकन कहीं ना कहीं डंप तो हो जाएगा। सो अगर आप ऑलरेडी इस पर्टिकुलर कॉइन्स में इन्वेस्ट किया तो आप एग्जिट प्लान को डेफिनेटली प्लान करना बिफोर इन्वेस्टमेंट। सो अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्ट किया तो आपको एग्जिट प्लान सेफली प्लान कीजिए, अगर आपको प्रॉफिट में है तो अभी एग्जिट कीजिए, एंड अगर आपको रिस्क लेना आपका टोटल फंड चले गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वीडियो देखने के बाद भी आप उसमें होल्ड कर सकते हैं और आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसको विड्रॉ करके बाकी अमाउंट को होल्ड कर सकते हैं। बट मैं तो इस पर्टिकुलर कॉइन्स को रिकमेंड नहीं करूंगा, सो क्योंकि ये सारा स्कैम कॉइन्स है, इसी वे में उस पर्टिकुलर टोकन वॉल्यूम भी जनरेट कर सकते हैं ऑन पैनकेक स्वैप बाई स्पेंडिंग सम मनी। सो दैट्स ऑल गाइस, ये है आज का वीडियो ऑल अबाउट सेफ मून, सेफ मार्स, सेफ जुपिटर, सेफ सैटर्न, सेफ थानोस, तो इस टाइप का मल्टीपल कॉइन्स वो, एंड मैंने जो मिंट किया था कॉइन उसके बाद में coingecko.com में जाके देखा तो सिमिलर कॉइन का नाम से एक्चुअल कॉइन भी अवेलेबल है, सो ऑलरेडी 89% पंप हुआ पता नहीं क्यों। सो ये भी एक स्कैम कॉइन हो सकता है, सो डेफिनेटली आप इस पर्टिकुलर कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। सो ये गाइस आज का वीडियो ऑल अबाउट माई कॉइन, एंड इस वीडियो में आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भी मिला, आपका ओन टोकन कैसे क्रिएट कर सकते, कैसे मल्टी सेंडिंग ऑप्शंस यूज करके आपको टोकन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, तो सारे डिटेल्स भी आपको इसमें एजुकेशनल पर्पज के लिए मिल गया, एंड उसके साथ साथ आपको एक ग्रेट लेसन भी मिला है। सो ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा, नया नॉलेज सीखने को दिया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड इस पर्टिकुलर डेमो बनाने के लिए बहुत सारा टाइम जो है मैंने स्पेंड किया उस एफर्ट्स को देख के, एक कमेंट अप्रिशिएशन और सब्सक्राइब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना। सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।